नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। बंगाल की राजनीति का आज सबसे खतरनाक चैप्टर देखने को मिला। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ममता बनर्जी के भतीजे के इलाके डायमंड हार्बर जा रहे थे। सारे रास्ते उनके काफिले पर हमला हुआ, पत्थर फेंके गए और एक बड़ा पत्थर बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को उनकी कार के शीशे को तोड़ते हुए अंदर जा रहा है। बीजेपी अध्यक्ष के काफिले पर हमले की एक एक तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, रिपोर्ट्स में आपको दिखाएंगे कि आखिर बंगाल में इस वक्त हो क्या रहा है। लेकिन सबसे पहले आप जरा जेपी नड्डा को सुनिएगा, उनकी उन्होंने क्या कहा इस पूरी वारदात के बाद, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले जरा तस्वीर देखिए, कहां आपने इससे पहले कभी देखा है किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव से कुछ वक्त पहले किसी कोलकाता जैसे महानगर में जा घूम रहा हो। और ये दक्षिण 24 परगना की तस्वीरें आपके सामने फिलहाल, और रास्ते भर उनकी गाड़ियों पर पथराव हो, पुलिस भी मौजूद है देखिए रास्ते में। ये कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी से अंदर से शूट किया गया वीडियो जो आपने देखा। अगली सीट पर बैठे हुए कैलाश विजयवर्गीय और चारों तरफ से पत्थर चल रहे हैं। थे वहां का शीशा टूटा, पत्थर अंदर जाकर उनको लगा, गाड़ी की विंड स्क्रीन टूटी, पीछे जो व्यक्ति बैठे थे उनके बगल से एक बड़ा सा पत्थर आकर के गाड़ी के अंदर लगा। कि सब कुछ आप सोचे हो क्या रहा है, पश्चिम बंगाल की राजनीति किस ओर जा रही है। चुनाव का मतलब यह नहीं कि लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं, और ये हादसे बहुत बड़े भी हो सकते हैं। चलती गाड़ी पर चारों तरफ से पथराव, गाड़ी के शीशे तोड़कर बड़े बड़े पत्थर ईंटे गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को लगे। अब जरा बाहर से भी आप तस्वीर देख लीजिए, कोई पॉलिटिकल वर्कर, कोई नेता चुनाव से पहले अपनी पार्टी के प्रचार के लिए, चाहे कोई भी पार्टी हो, सरकार चाहे किसी की भी हो, अगर वो घूम रहा है राज्य के अंदर, अगर वो उस इलाके में भी है जहां पर विपक्षी पार्टी या उनके विरोधी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, तो भी क्या ऐसा सलूक किया जाएगा किसी के साथ? क्या अब पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर प्रचार किया जाएगा? ये कौन सी राजनीतिक संस्कृति है? सवाल यही है। और ये देखिए, जब ये काफिला गुजर गया उसके बाद जब कैलाश विजयवर्गीय गाड़ी से नीचे उतरे तो उनको चोट लगी हुई थी, वो साफ नजर आ रही थी, उनकी बाजू पर खून निकल रहा था। कैलाश विजयवर्गीय पश्चिम बंगाल में चुनाव का पूरा कामकाज देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अब से नहीं बड़े लंबे अरसे से बंगाल में वो काम कर रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। और अब आपको हम सुनाते हैं डायमंड हार्बर पहुंचने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने टीएमसी की इस गुंडागर्दी का कैसे जवाब दिया। आज मैं यहां आया हूं, जो आने में मुझे दृश्य देखने को मिला वह इस बात को बताता है कि ममता जी के राज में बंगाल अराजकता का पर्यायवाची बन चुका है, असहिष्णुता का पर्यायवाची बन चुका है। इट हैज बिकम अ स्टेट ऑफ लॉलेसनेस एंड अ स्टेट ऑफ इनटॉलरेंस। आज मैं यहां पहुंचा हूं तो मां दुर्गा की कृपा से पहुंचा हूं। कैलाश विजयवर्गीय, आप देखिए हमारे राहुल सिन्हा,
क्या है, इसको हमको समझना है। मित्रों, इस बंगाल में पिछले एक साल में 130 कार्यकर्ताओं की हत्या हुई, 100 कार्यकर्ताओं का तो तर्पण मैंने किया, 100, और पिछले एक महीने में 8 कार्यकर्ताओं की जाने गई। और आज भी मालूम नहीं हमारे मोटरसाइकिल चलाने वाले लोगों को किस तरीके से अटैक किया गया। यह मुकुल जी को देखिए किस तरीके से इनको चोट लगी। अभी कैलाश जी अपना फर्स्ट एड कराने गए। मैं इसलिए सारी बातें आपके सामने कह रहा हूं कि ये यही डायमंड हार्बर है ना, जहां से ज्योतिर्मय जी ने यहां का नेतृत्व किया था, हुआ नॉन टू बी नॉन पार्लियामेंटेरियन, और आज यहां का सांसद संसद में दिखता भी नहीं है। यह परिस्थिति आप प्रजातंत्र के लिए शर्म का विषय है। पुलिस का राजनीतिकरण हो रहा, प्रशासन का राजनीतिकरण हो रहा। आप बताइए ये चलने देना है क्या? ये चलने देना है क्या? कमल खिलना है, कमल खिलना है, यही मैं आपसे कहने आया। मित्रों, मैं तो सच में कल से देख रहा हूं, प्रशासन नाम की चीज ही नहीं, देयर इज नो एडमिनिस्ट्रेशन। प्रशासन कोलैप्स कर चुका है, कहीं टिकता नहीं। अगर हमारी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस ना हो तो बंगाल घूमना मुश्किल है। मैं समझ सकता हूं कि कार्यकर्ता की क्या हालत होती है, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, चुनाव की तैयारी करो, डायमंड हार्बर से भी हम कमल खिलाएंगे। इस बात को मैं आपको कहना चाहता हूं। आपकी तालियां ये बता रही हैं कि आने वाला अंदाज लगाना क्या है, ये आपकी तालियां। मित्रों, मोदी जी ने यहां पर आपके विकास के लिए राशन की व्यवस्था की थी, आपके लिए आमदान में आपके लिए अच्छी व्यवस्था करने के लिए, हर तरीके की व्यवस्था के लिए एडवांस में 1,000 करोड़ रुपए दिया गया कि नहीं दिया गया? लेकिन यहां चाल चोर आपके पास जो और जेपी नड्डा का थोड़ी देर पहले का यह बयान आप सुन रहे थे, इस वक्त वो लाइव कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं।